बुलडोजर चलाए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए बाजार समिति के व्यवसायी, किसान और शादी समारोह की खरीदारी के लिए शहरवासियों को हो रही काफी परेशानी। बता दें, स्मार्ट सिटी के तहत बिहार शरीफ बाजार समिति के सौंदर्यीकरण को लेकर अवैध दुकानदारों पर नोटिस के बाद पिछले 4 दिनों से ही बुलडोजर की कार्रवाई, घबराए व्यवसायी और पुलिस प्रशासन हुई आमने सामने। गुरुवार को मंडी में सभी छोटे बड़े व्यवसायी अपनी अपनी दुकानें को बंद रख विरोध जता रहे हैं। इस दौरान शादी समारोह में सब्जी और फल खरीदारी करने के लिए शहरवासियों को खेत में उपजे सब्जी को बेचने के लिए किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां आपको बता दे चले, संघ के अध्यक्ष उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि हम लोग यहां 1988 से व्यवसाय कर रहे हैं और अब प्रशासन हम लोग को यहां से जबरन हटा रही है। बाजार समिति में जो नए दुकानों का निर्माण किया गया है उन्हें अब तक दुकानदारों को आवंटन नहीं किया गया है। हम लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। हम लोगों की मांग है कि दुकानदारों को दुकान आवंटन करा दिया जाए, इसके बाद दुकानों को तोड़ा जाए। निधि सिंह के साथ नालंदा से राजेश की रिपोर्ट। आज दिन हम लोग एकजुट हुए हैं, फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, गल्ला मंडी एक साथ हुए हैं। साथ होने का कारण ये है कि हम लोगों के साथ जो है नाजायज जुल्म हो रहा है। जेसीबी से पूरे जितने भी झोपड़ी वाले हैं, वैध हैं, अवैध हैं, करीब करीब सभी को तोड़ने के साथ एक साथ शुरू किया जा रहा है। टाइम भी नहीं देता और टाइम भी नहीं दिया जा रहा है, और कब तोड़ा जाएगा नहीं तोड़ा जाएगा, इसलिए हम लोग आज एक साथ हुए हैं। एक साथ मिलकर जो भी निर्णय लेंगे एक साथ मिलकर लेंगे, और हम लोग डीएम से गुहार लगाएंगे कि हम लोगों को समस्या का समाधान करें ताकि हम लोग फिर आगे कुछ निर्णय लें। कितने दुकानों को तोड़ दिया गया अब तक? अब तक तो शायद करीब 14 है, 90-92 दुकान को आप तोड़ने का अलॉटमेंट किए हैं। क्या नाम है आपका? शाहनवाज खान गुट्टू। हड़ताल पर जाकर क्या कर रहे हैं? हम सभी आधारदार फुटपाथी शांति रहिए व्यवसायी सभी आज एक जून से हड़ताल पर है। अनुमंडल पदाधिकारी के रवैया से बाजार समिति गेट पर आवंटन गति को 5 में तोड़ दिया गया। उसके बाद 30 तारीख को भी सात गाड़ी झोपड़ी वाला कपड़ा दुकान का मैंने सबका कागजात के साथ वाला था, सबका हाईकोर्ट में ही मामला पड़ा हुआ है, उसके साथ भी तोड़ दिया गया। और अनुमंडल पर अधिकारी का कोई हम लोग का ठोस निर्णय हम लोग के प्रति नहीं सोच रहे हैं कि दुकान बसाया जाएगा या न बसाया जाएगा। अब डेली के डेली इंस्टॉलमेंट में 20-15 संख्या में निकालते हैं, क्या 20 का तोड़ देना है, 20 को रखता है। इसी रवैया से अनिश्चित काल के लिए हम सभी लोग आज 1 तारीख से संपूर्ण बंदी के करार पर चलेंगे। कितना का नुकसान हो रहा है एक दिन के बंद होने का? 1 करोड़ रुपया से ऊपर का नुकसान है। ये आम का और केला का सीजन है और उसका सब गाड़ी आया हुआ है, उसके बावजूद भी लगन है, पगन है, बहुत तरह का परेशानी है। उसके बावजूद भी हम लोग ये दहशत फैला हुआ है दुकान तोड़ने का या अनुमंडल अधिकारी का मैंने देख के रवैया से हम लोग को बहुत परेशानी में, और इसी से मजबूर होकर हम लोग घर में दिए हुए हैं। अनिश्चित काल के लिए बंदी पर करार पर है, इसका कभी कितना दिन के लिए कुछ कहना नहीं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांगना है कि हम लोग का जो दुकान बना हुआ है मौजूदा अवस्था में दुकान आवंटन करके बसा दिया जाए, अब फिर तोड़ा जाए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। क्या नाम आपका? उमेश कुमार।